हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां पैदा हुई लड़कियां 12 साल बाद एक लड़का बन जाती हैं। एंड गाइस, एक ऐसा देश है जहां मुर्दों से शादी होती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे ही सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोज आपको हमारे चैनल पे शाम के 7 बजे मिल जाया करती है। सो गाइस, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गाइस, आप लोगों ने मूवीज या फिर कार्टून्स में समुद्री डाकुओं को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो लुटेरे लोग होते हैं वो अपने आंखों में पट्टी क्यों बांधते हैं? एक्चुअल में गाइस, इन लुटेरों को, यानी कि जिन्हें पायरेट्स भी कहते हैं, इनको लड़ाई करते वक्त डेक के अंदर जाना पड़ता है एंड वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा रहता है, इसीलिए अंधेरे में लड़ पाने के लिए एंड साथ ही साथ उसमें देख पाने के लिए ये लोग अपनी एक आंख को बंद करके रखते हैं। गाइस, होता ये है कि जब कोई आदमी रोशनी से अंधेरे की तरफ जाता है तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। एंड गाइस, पुतलियां इसलिए फैलती हैं क्योंकि इससे ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में जाएगी एंड आंखें हमारी ज्यादा चीजें देख पाएंगी। फैक्ट नंबर 2, गाइस, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां लड़कियां 12 साल की होते ही लड़का बन जाती हैं। गाइस, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 6000 आबादी वाला ये गांव डेमोनिकल रिपब्लिक में है, जिसका नाम लो सालिनास है। वहां के लोगों का मानना है कि उस गांव पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है, वहीं कुछ का मानना है कि वो गांव शापित है। लेकिन गाइस, ये एक छोटा सा गांव दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय बन चुका है। फैक्ट नंबर 3, गाइस, क्या आपने कभी कोई ऐसा शहर इमेजिन किया है जहां कोई सड़क ही ना हो? तो गाइस, आप लोग इसे सिर्फ इमेजिन ही नहीं बल्कि यहां घूम भी सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां कोई भी सड़क नहीं है, वहां पे सिर्फ नहर ही है। ये जगह नीदरलैंड में है, जिसका नाम गिथून है। इसे दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। गाइस, इस गांव में कोई भी गाड़ी नहीं है क्योंकि उसे चलाने के लिए यहां कोई रोड ही नहीं है। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के सहारे जाता है। फैक्ट नंबर 4, गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? इसे जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, और अगर टाइम कम करने के लिए इसके फॉर्मेट में चेंजेस हुए तो इसके रिजल्ट में भी चेंजेस होंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि ओलंपिक में कई सारे खेल ऐसे हैं जो थोड़ी बारिश में खेले जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को बारिश में नहीं खेल सकते। फैक्ट नंबर 5, गाइस, अक्सर हमने पेड़ की शाखाओं में फल को लगते हुए देखा होगा, लेकिन गाइस, इस दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसका फल तनों से निकलता है। अंगूर की प्रजाति का ये पेड़ साउथ अमेरिका में है, जिसका नाम जबूतिकावा है। फैक्ट नंबर 6, गाइस, क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां रॉयल एनफील्ड 350 की पूजा होती है? दरअसल गाइस, 1988 की शाम को इस रॉयल एनफील्ड को चलाने वाले ओम बन्ना बगरी से चोटियाला गांव लौट रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे ट्रक से भिड़कर उनकी मौत हो गई। पुलिस उनकी बॉडी और बाइक को थाने लेकर गई, लेकिन फिर बाइक रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गई और उसके बाद घटना स्थल पर मिली। उसके बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी बार बार ऐसा ही होता था। उसके बाद ओम बन्ना के पिताजी ने अपने बेटे की आखिरी इच्छा समझकर उसे वहीं रखवाकर एक मंदिर बनवा दिया, और तभी से यहां इसकी पूजा होने लगी। फैक्ट नंबर 7, गाइस, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोपियन कंट्री फ्रांस में एक ऐसा कानून है जिसके तहत वहां के लोगों को मुर्दे से शादी करने की इजाजत है। ये शादी एकदम नॉर्मल शादी ही होती है, बस यहां पे फर्क इतना है कि वहां पे दूल्हे के बजाय उसकी फोटो को रखा जाता है। मृतक से शादी करने से पहले ये साबित करना होता है कि मृतक भी उसी से शादी करना चाहता था, जिसके लिए दोस्तों और घर वालों का बयान लिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, गाइस, क्या आपको पता है कि स्कूल बस पीले कलर्स की ही क्यों होती है? दरअसल गाइस, अमेरिका में किए गए रिसर्च से ये साबित हुआ है कि पीला रंग हमारी आंखों में सबसे पहले दिखता है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल बसेस को येलो कलर से पेंट किया जाता है, जिससे वो सबको दूर से ही दिखाई दे। फैक्ट नंबर 9, गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ट्रेन की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगता है? दरअसल गाइस, रेल की पटरियों को बनाने में हेडफील्ड मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है, जो कोई आम स्टील नहीं होता है। गाइस, इसकी मजबूती के साथ साथ इसके जंग प्रतिरोधक की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। मैग्नीज एक ऐसा मैटर है जो मेटल से मिलकर उसे जंग लगने से बचाता है। वैसे गाइस, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ट्रेन की पटरियों को बनाने में 12-15% मैग्नीज का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, गाइस, जब भी आप लोग नेता लोग के भाषण सुनते होंगे तो आप लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये लोग बिना देखे कैसे बोल ले रहे हैं। दरअसल गाइस, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक्चुअल में गाइस, वहां पर दो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया जाता है जो दो शीशों से बनता है। एंड गाइस, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक स्टैंड के सहारे लगाया जाता है जो 45 डिग्री झुका हुआ होता है। एंड गाइस, ये स्पीच मॉनिटर से कंट्रोल किया जाता है जो इस प्रॉम्प्टर पे साफ साफ दिखाई देता है। एंड गाइस, नेता लोगों को जो चीज बोलना होता है वो इस प्रॉम्प्टर पर साफ साफ दिखाई देता है एंड उसे वो देखकर बोल लेते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 8। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, साथ में ही कल शाम के 7 बजे फिर से चले आना एक नई वीडियो देखने। एंड गाइस, अगर आप लोगों को कोई और फैक्ट्स पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइस, चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।